हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, एक एपी का लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है एल इक्वल टू 28 और सम ऑफ नम एन टर्म्स जो दी हुई है 144 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है 9। ठीक है, तो क्या करनी है हमें, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है बट लास्ट टर्म हमें पता है, तो सम ऑफ एन एपी क्या होता है। चलिए यहाँ जो जो गिवन है आपका, हेयर एल इक्वल टू 28, सम ऑफ एपी इज 144, नंबर ऑफ टर्म्स एन से डिनोट कर रहे हैं, ये दी हुए 9 और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सम ऑफ एन एपी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या होता है, एस इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म है और एल जो है लास्ट टर्म है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 144 इक्वल टू 9/2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एल की वैल्यू है 28। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी ए प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये 16 से कैंसिल होगा और ये हो गई हमारी 32। देयरफॉर ए की वैल्यू हमें मिल गई 32 माइनस 28 इक्वल टू 4। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई, हेंस फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।